अब वक्त आ गया कि मैं उससे कह दूं और आप सबको भी बता दूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं, क्योंकि वो यही है हम सबके सामने। अनुषा अंदर आओ। बना, पूरे दिन ऐसे गोन से चिपके रहेंगे कि हमें भी मिलवाएंगे इस खूबसूरत बला से। मासा, ये अनुषा है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। ये मानेगी नहीं, और पूरी रात माताजी महाराज का पाठ करके इसी ने मेरी जान बचाई है। अनुषा, सुहाग भाग अमर रहे। पंडित जी जब बार बार बोल रहे थे, हम सब तो उलझन में पड़ गए थे कि जय के जीवन में लड़की कौन है। राजथारे को देखकर वो सारी उलझन दूर होगी। हमारे जय की जान बचाई है तूने, थारा ही उपकार, ये मां जिंदगी भर में बोलेगी। हमारे जय को मौत के मुंह से बचा कर लाई है तू, अब थारे से बढ़कर हमारी जय की जोड़ी भला किसके साथ बन सकती है। बिल्कुल सही कहा मां सरपंच साहब, हम अनुषा के पिताजी सुमेर सिंह सूर्यावत खंबा घनी घनी खंबा, हमारी बेटी की बड़ी आस्था है माताजी महाराज में, बहुत पाठ और व्रत किए हैं जय बना के लिए। दहेज राशि, मेहमानों का सामान मेहमान कक्ष में रखवा दो। मैं भी ना कितनी बड़ी पागल हूँ, रेत का महल बनाने चली थी, एक हवा का झोंका आया और सब कुछ बिखर गया। वैसे भी मारा और छोटे कोरसा का भला के मेल, मैं दासी वो मालिक, नौकर और मालिक का रिश्ता
समझाने के खातिर ही माताजी महाराज ने इन मैडम को इनकमिंग किया है, ताकि मैंने हमारी औकात याद रहे। क्या बात है छोटे, तू तो साइलेंट हीरो निकला। हम सबको लगा दिल्ली में तेरा ध्यान किताबों में होगा, पर तूने तो अपनी लव स्टोरी लिख डाली। अपनी छोर कम से कम मुझे तो बता देता भाई। ऐसा अरे मैं आता हूँ एक मिनट। हाँ, आराम से आराम से। आप मारे मेहमान हैं और मारे या मेहमानों के स्वागत के कुछ रीत हो गए। दहेज दासी जी हुकुम, चल लेकर आओ मेहमानों के पैर धोने। सुना नहीं मैंने क्या कहा, चल लेकर आओ। ये दहेज दासी क्या होता है? मारे यहाँ जब बेटे का ब्याह होता है तो दहेज के साथ एक दासी भी आती है, उसी को कहते हैं दहेज दासी। और इस दहेज दासी के जीवन का बस एक ही मोल हो, सेवा सौभाग्य। क्या? पर आंटी कोई भी लड़की ऐसी जिंदगी जीने के लिए कैसे तैयार हो जाती है? कुछ फैसले हम नहीं लेते, ऊपर वाला लेता है। मैंने तो बस इतना पता है कि एक बार जो दहेज दासी बन जाए उसे बस अपना कर्म करना होता है। और वैसे भी एक जिंदगी से बरकर हुए हैं रीत और रिवाज, और इसी विरासत को हम वर्षों से निभाते आए हैं। आइए विराजी। मुझे ये सब नहीं पसंद। आंटी जी इसकी क्या जरूरत है? अरे दहेज दासी है ये, इसका तो काम ही है अपने हुकुम की सेवा करना। तुम तो मेहमान हो बेटा, और ये दहेज दासी को ना इतनी इज्जत देने की जरूरत ना, नहीं तो सर पे चढ़ जावेगी। और बहुत मुश्किल से ना इसकी हरकतों को लगाम लगाई है। पता है तुम्हें, पहले तो ये कहती थी कि जय बन्ना के साथ इसका ब्याह हुआ है, अच्छा हुआ कि तुम आ गई, कम से कम इसकी गलतफहमी तो दूर हो गई ना। अरे आंखें फूट गई है कि सारी, हाँ दिखाई नहीं देता, ठीक से देख के काम ना कर सके। और एक ना काकी साहब, बात बात पे हाथ उठाना जरूरी है क्या? ये भी तो इंसान है, हो गई गलती इससे। जय तुम भी ना अब एक दहेज दासी के लिए अपनी फैमिली से लड़ना सही है क्या? इसने गलती की है, सुधार भी यही लेगी। अनुषा तुम मेरी बात। जय माफी चाहूंगा, अभी अभी साफ कर देती हूँ। हाँ जल्दी जल्दी साफ कर। सुमेर सिंह जी, जब बच्चे माँ बाप की उंगली पकड़ना छोड़ देते हैं तब से हम बस यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में कोई एक ऐसा जीवन साथी आए जो उन्हें समझे, उनका साथ दे। अनुषा और जय, दोनों बच्चे पहले से एक दूसरे को पसंद करते हैं। महाराज जय
अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आया और उसके स्नेह जीवन में अनुषा का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मने ये पूरा भरोसा हो गया है कि मारे जय के लिए अनुषा से बेहतर जीवन साथी कोई ना है। मने ये रिश्ता मंजूर है। जो बात हम कहना चाहते थे वो आपने पहले ही कह दी। हम दो दिन यहाँ हैं, जब दोनों परिवार राजी हैं तो लगे हाथों सगाई की रस्म भी पूरी कर लेते हैं। नहीं, हमारे यहाँ कुछ परंपराएं हैं जिन्हें हम कभी ना तोड़ते। सगाई से पहले जय और अनुषा को कुलदेवी की पूजा करनी होगी। कुलदेवी ने इन्हें आशीर्वाद दे दिया तो समझिए रिश्ता पक्का। हम आपके हर फैसले का सम्मान करते हैं, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। जय, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि ये लोग इतनी जल्दी हमारी शादी के लिए मान गए। हे माताजी महाराज, क्या ये मेरा भाग है कि मैं मारा सुहाग किसी और को होते हुए देखूं? किसी एक सुहागन की मांग का सिंदूर आप किसी और की मांग में कैसे सजा सकती हो? मुझसे मारा सुहाग कैसे छीन सकती हो आप? जे जे ना हो सके माता जी महाराज, आप कुछ करो, कुछ करो माता जी महाराज। सो डैड, कैसी लगी मेरी चॉइस? बेटा, तो भारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है और इस खुशी के चेहरे पर खुशी लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बेटा, मैं जानता हूँ कि जय एक सुलझा हुआ लड़का है, लेकिन बेटा, लेकिन क्या डर? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम पर कोई रोक टोक नहीं लगाई। पूरी तरह से तुम मॉडर्न और आजाद ख्याल में पली बड़ी हो। बेटा, ये परिवार जो है पुराने रीति रिवाजों में उलझा हुआ है और मुझे डर है कि इनके रीति रिवाज देख कर पता नहीं तुम इस फैमिली में अपने आप को फिट कर पाओगे या नहीं। जहाँ तक बात उसकी फैमिली की, तो ये संस्कारी बनने का ढोंग मैं उनके लिए ही कर रही। पर सच तो ये है डैड कि जय पूरी तरह से मेरे प्यार, मेरी मुट्ठी में। शादी के बाद मैं इस जगह, इस घर परिवार रीति रिवाज में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। ना तो उसको लेके दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगी। आर यू श्योर बेटा? ये अपने परिवार और अपनी मासों को छोड़कर तुम्हारे साथ आएगा? कोर्स डैड, आखिरकार मैं एक बिजनेसमैन की बेटी, तो मेरी कैलकुलेशन इतनी रॉन्ग तो हो ही नहीं सकती। मैंने आपसे जो सीखा है। थैंक यू सो मच। मासा, ये अनुषा है, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। चुनरी, तो बताओ कैसे लगी अनुषा? आपकी पसंद है, अच्छी है। ये क्या जवाब हुआ? अरे मैं अपनी नहीं तुम्हारी पसंद पूछ रहा हूँ। यार ये कपड़े उपड़े छोड़ो ना, तुम ठीक से बताओ कैसे लगी अनुषा तुम्हें? मारी राय के मायने रखी है छोटे को ऐसा? उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि मासा को जाके मनाओ, तब जाके समझ में आया इंसान उम्र से नहीं समझ से बड़ा बनता है। तुम रिश्ते और इंसान को दोनों को मुझसे बेहतर समझती हो चुनरी। तुम्हारी राय मैटर करती है चुनरी, इसलिए तो पूछ रहा हूँ, बताओ। किसी भी इंसान को बिना जाने बिना सोचे मैं उसके बारे में गलत सही राय नहीं दे सकती, पर इतना जानू कि जिसके विभाग में आप जैसा जीवन साथी होगा ना, उसको और कुछ पाने की जरूरत ना होगी। जिस पर मर के भूले
अनुषा क्या कर रही हो तुम? तुम चुप रहो जाए और तुम दूर रहना जैसी, समझी? अनुषा तुम्हें जैसा लग रहा है तुम जय चलो अनुषा सुनो तो तुम्हें चलो जैसा... निकाल दिया हमारा। अरे इतनी सी खरोच पे इतना कैसे उड़ मचा रहे हो? जाके फिटकरी लगा लो, ठीक हो जावेगा। जब देखो तब मारे पे चिल्लाते रहे। क्या बात है मासा? इतने सालों से पापा की दाढ़ी बना रहे हो, लेकिन आज आपका ध्यान थोड़ा भटका भटका लग रहा है। अरे बात ही कुछ ऐसी है, बहुत बड़ा ना राज बन रहा है हमारे पेट में। क्या शादी के बाद मैं यहाँ इस घर परिवार में बिल्कुल नहीं रहूंगी, ना तो उसको लेके दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगी। जीसा को बोल के तबासी ले लूंगा। ना 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 ना, प्रसाद जितना स्वादिष्ट होवे है ना उसे उतना ही कम बांटा जाता है, और अनुषा जो करने वाली है वो तो हमारे फायदे का सौदा है। वो कैसे? अरे मेरी भोली मासा, बैठो बैठो आप। हमें चाहिए हवेली, और हवेली में है दो कांटे, जय और यश। अब जय को अगर अनुषा दिल्ली ले जाएगी तो बचा हमारा एक कांटा, यश उसका भी इंतजाम कर देंगे हम। अब हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा कंपटीशन खत्म हो रहा है। अब बारिश हो चाहे ना हो, हवेली तो हमारी हो गई ना। और ये महा सरपंच का क्या करेंगे? अरे समझा करो ना मासा, इंसान के दोनों हाथ कटने के बाद वो लड़ने लायक रहता है नहीं ना? तो बस वाह वाह मारे लाडे सर वाह, ये दिमाग पाया है, और दिमाग को ना किसी की नजर ना लगे। बस बस इस यश को जल्दी निपटाना होगा। चुनरी जाएगा मैंने ना पता हुकुम बच्चे को लॉलीपॉप दे रही हो। अपनी बकवास बंद करो और साफ साफ बताओ कि जय कहाँ है। और वैसे भी तुम तो उसी के आसपास मंडराती रहती हो ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा। काज माताजी महाराज की सौगन, मैंने ना पता छोटे कोरसा कटे छोटी खोरसा बड़े खोरसा के कमरे में। जीजा
आ गई और फैन को गिरते हुए देख लिया। अनुषा, तुमने मेरी जान बचाई। जय, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। ये आवाज कैसी है, क्या हुआ? ये पंखा कैसे गिर गया? तू ठीक है ना? थारे को चोट तो ना आई? मासा मासा, मैं ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि एंड टाइम पे अनुषा आ गई, उसने मुझे बचा लिया। मांग में सिंदूर भरा भी नहीं, फिर भी अपने सुहाग को बचाने के वास्ते तुमने अपनी जान की परवाह ना की। बहुत बहुत आभार अनुषा। अच्छे, तू यश के कमरे में क्या कर रहा था? अरे मासा, मेरे रूम का ना फैन नहीं चल रहा था, तो भाई साहब के रूम में आके सो गया। मैंने पंडित जी की बात के बारे में सोच सोच के ना बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा था आपकी हवेली पर मौत का साया है जो एक जान लेकर जाएगा। अच्छा संकेत नहीं है मासा। अरे भाभी साहब, आप भी कौन सी बात कहाँ जोड़ रहे हो? पंखे का स्क्रू ढीला हो गया होगा, गिर गया, इट्स नॉट अ बिग डील। ये चुनरी के हाथ से खून कैसे आ रहा है? चुनरी रुको, चुनरी, चुनरी। फैन तुमने पकड़ा था ना? मैं वो क्या, झूठ बोला नहीं जा रहा तुमसे, सच बोलने में हिचकिचा रही हो, और ये चोट ये सब कुछ बता रही है। बहुत काम है छोटी कोर्सा, मैंने जाना। चुनरी, मेरी आंखों में देखो चुनरी, इतना भरोसा है मुझे कि मेरी आंखों में देख के तुम झूठ नहीं बोलोगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम नजारा।